ये है हमारे पास 2022 की ऑल न्यू जस्ट लॉन्च NS160 NS200। आज आपको हम इस वीडियो में एक डिटेल्ड कंपैरिजन दे जा रहे हैं दोनों के बीच में क्या कुछ आपको सबसे बड़ा डिफरेंस मिल जाता है, दोनों में से कौन से आपके लिए एक बेटर चॉइस होने वाली है। क्योंकि अगर प्राइसिंग वाइज बात करेंगे तो लगभग आपको 22 से 23 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस मिल जाता है इनकी ऑन रोड प्राइसिंग में, जहाँ की आपकी NS160 आपको लगभग 1,50,000 के आसपास ऑन रोड कॉस्टिंग करती है, वहीं पर NS200 आपको लगभग 1,72,000-1,73,000 रुपीज़ के आसपास ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। ये देख सकते हैं आपकी NS200। ओवरऑल आप इस गाड़ी के लुक कलर कॉम्बिनेशन हमने सेम ही चूज़ किया है, देख सकते हैं ग्रे हमारे पास कलर अवेलेबल है, तो आप ये देख सकते हैं NS200 और इसके बगल में खड़ी अपनी NS160। तो अगर बात करेंगे तो एक प्राइसिंग वाइज आपको बड़ा डिफरेंस देखने मिल जाता है 22 से 23 हज़ार रुपये का। बाकी अगर लुक्स और कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो आप ओवरऑल चेकआउट कर सकते हैं गाड़ी को। थोड़ा बहुत स्लिम रहती है आपकी NS160 अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करेंगे NS200 से, तो ये गाड़ी थोड़ी स्लिम है। अगर आप किसी भी एंगल से इस गाड़ी को अगर लुक वाइज चेकआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी थोड़ी बहुत बिल्कुल आपको स्लिम देखने मिल जाती है। उसके अलावा और भी आपको बड़े डिफरेंस देखने मिलते हैं जो कि आपको हम वीडियो में बता देंगे, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए बात करेंगे ओवरऑल गाड़ी के बारे में, तो आप फ्रंट से ही गाड़ी का ओवरऑल लुक चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट से आपको डिस्क साइज में एक बड़ा डिफरेंस मिल जाता है, डिस्क आपको बड़ा देखने मिलता है NS200 में, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकिंग है वो आपको NS200 में ज़्यादा बेटर देखने मिलेगी, ज़्यादा बेहतर देखने मिलेगी। लगभग 20 mm की आपको ज़्यादा डिस्क की साइज देखने मिल जाती है आपकी NS200 में। फ्रंट से बात करें 17 इंच वाले टायर आपको देखने मिल जाते हैं, टायर साइज वाइज भी डिफरेंस है, टायर साइज आपको ज़्यादा बेटर देखने मिल जाता है आप सभी की NS200 में। NS200 की जो टायर है थोड़ा मोटा है, जिसकी वजह से आपको रोड पे स्टेबिलिटी ग्रिप ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर बात रहने वाली है। बाकी आप डिस्क की साइज देख सकते हैं, ओवरऑल थोड़ा बेटर डिस्क देखने को मिलता है। थोड़ा हायर सेगमेंट तो कंपनी ने बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट बिल्कुल किया है, तो आपको हमने लुक वाइज बताया चेंजेस हैं। लुक आपको थोड़ा हैवी देखने को मिलेगा, उसके अलावा टायर आपको यहाँ हैवी देखने को मिल जाता है NS200 में। चलिए उसके अलावा अगर आप फ्रंट से ओवरऑल अपने लुक चेकआउट कर लिया, टायर साइज आपको हम दिखा देते हैं, बहुत लोग बोलेंगे टायर साइज भी चेकआउट करा दीजिए, तो आप यहाँ पे देखिए टायर साइज आपको क्लियरली मेंशन है, देख सकते हैं 100x80 17 इंच वाले आपको यहाँ पे ट्यूबलेस साइज देखने मिल जाते हैं 100x80। तो आपने ये चीज़ नोटिस किया कि आपको यहाँ पे 100x80 17 इंच वाले ही देखने मिल जाते हैं। चलिए अब आपको हम बात कर लेते हैं आपकी जो NS160 देखने मिलती है उसका भी चेकआउट करा देते हैं। बाकी आप ओवरऑल हेडलैम्प सेटअप की बात करेंगे तो हेडलैम्प सेटअप वाइज कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही हेडलैम्प देखने मिलता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो आप देखिए इसका मैंने की ऑन किया, लेकिन कोई भी इसमें आपको लाइट जलते हुए नहीं मिलेगा। ये देखिए मैं इसका की ऑन कर चुका हूँ, मीटर कंसोल भी ठीक ठाक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मीटर कंसोल भी लगभग सेम देखने को मिलता है। लेकिन आपको कोई भी यहाँ पे फ्रंट में अगर हेडलैम्प की बात करेंगे तो कोई भी आपको लाइट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहीं पर हम बात कर ले इस गाड़ी के बारे में, तो आपको हम बता दें ओवरऑल कंपनी एक DRL टाइप का यहाँ पे छोटे छोटे दो लाइट दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, तो ये आपके जलने लगते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आपने की ऑन किया तो की ऑन करने पर ही आपके ऑन हो जाते हैं, लेकिन आपको NS160 में ऐसा कुछ नहीं है। NS160 में जो ओवर आपको लाइट है ऐसे ऑन नहीं होने वाली है। NS200 का ये मीटर कंसोल देख सकते हैं, कलरफुल देखने को मिलता है, यहाँ पे जो ब्लू एसेंस यूज़ किया, ब्लू कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया, ओवरऑल इस गाड़ी के लुक को इनहेंस करने में बहुत मदद करते हैं। तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल लुक निकल के आती है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर निकल के आएगी अगर आप लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे तो। बाकी मीटर कंसोल में ट्रिप ए ट्रिप बी देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल ऐसे कुछ मीटर है। बाकी फुल मीटर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस गाड़ी का। इसके यहाँ पे की पे भी आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे मतलब की ऑन करेंगे वैसे ही इस पे भी लाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको इंजन को ऑन ऑफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो आपने ये मीटर कंसोल चेक किया NS200 देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर मीटर कंसोल। और जो पर्सनली जो ये कलर कॉम्बिनेशन जो ब्लू कलर कॉम्बिनेशन है और जो इसके ओवरऑल आपको स्विचेस पर लाइट देखने को मिलता है वो मुझे बहुत ही बेटर लगा। वहीं पर अगर आप NS160 की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे येलो कलर की लाइट देखने को मिल जाती है। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग वैसे ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसके मीटर में आपको लाइटनिंग ऑफ हो जाती है। यहाँ पे आपको स्विचेज में लाइटिंग है, वो जब आप इग्निशन ऑन करेंगे जब आपका पूरा सेटअप ऑन होगा तब ये यहाँ पे चलता है। बाकी ऐसे नॉर्मल की ऑन करने पे ये नहीं ब्लिंक करता है, तो ये चीज़ आप लोग नोटिसेबल कर सकते हैं, ये नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल ये चीज़ नोटिस कर लीजिए। बाकी आप ये टैंक देख सकते हैं, टैंक में आपको डिफरेंस बिल्कुल देखने मिल जाएगा। लेकिन कैपेसिटी की बात करेंगे दोनों की लगभग 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाती है, चाहे आप NS160 कंसिडर कर लें चाहे आप NS200 कंसिडर कर लें, फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग दोनों ही गाड़ियों की सेम ओवरऑल निकल के आती है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे कूलेंट है वो आपको क्लियरली शो होता है। बाकी अगर आप देखेंगे NS200 में तो आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए, NS160 में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। ये जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो इनबिल्ट है ओवरऑल सिस्टम, यहाँ पे आपको एक बड़ा एडवांटेज किक देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोग नोटिस करिए, आपको यहाँ पे किक देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं NS200 में आपको ऐसी कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। NS160 जो एक बड़ा एडवांटेज देता है, आपको यहाँ पे किक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए उसके बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बाद बात कर लेंगे तो आपको बता दूँ NS200 में आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और NS160 में 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, तो लगभग 9 mm के ग्राउंड क्लियरेंस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। 9 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो आपकी ऑल न्यू NS160 है उसमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सीट आपको लगभग सेम ही दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। इंजन वाइज एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जहाँ की आपको ओवरऑल NS200 के बारे में बात करेंगे तो NS200 में आपको 200 cc का BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल जाता है,
जो कि एक बहुत ही शानदार ओवरऑल इंजन है। आपको वहाँ पे 25 पीएस की लगभग पावर इनफो मिल जाती है, 18.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क इनफो मिल जाता है। बीएसएस कंप्लाइंट इंजन है, लेकिन वहीं पे अगर NS160 की बात करें, छोटा इंजन है, 160 सीसी का आपको यहाँ इंजन इनफो मिल जाता है, 17.2 पीएस की पावर, 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क इनफो मिल जाता है। तो पावर फिगर से अगर बात करेंगे तो लगभग आपको 7 mm के आसपास, 7 PS के आसपास का डिफरेंस इनफो मिल जाता है, और टॉर्क की बात करेंगे तो लगभग 4-5 mm का डिफरेंस इनफो मिल जाता है। उसके अलावा बैक, ओवरऑल बैक के बारे में बात करेंगे, बैक में क्या कुछ कंपनी ब्रेकिंग आपको ऑफर कर देती है दोनों ही गाड़ियों में। तो दोनों गाड़ियों में को बहुत ही शानदार ओवरऑल ब्रेकिंग इनफो मिलती है, लेकिन आप पहले टायर साइज पे नोटिस करिए। आपको NS की बात करेंगे, NS200 की, तो 130/70 17 वाले आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर का ओवरऑल रिस्पॉन्स इनफो मिल जाता है। यहाँ पे जो कंपनी अगर बात करेंगे ब्रेकिंग कौन सा कंपनी यूज़ करती है तो उसके बारे में बात कर लें, तो आपको बैक में 230 mm की डिस्क ब्रेकिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और फ्रंट में 300 mm का। तो बहुत अच्छी बात है, फ्रंट का तो आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। उसके बाद तो ओवरऑल आप ब्रेकिंग सेटअप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर यहाँ पर ब्रेकिंग मिलेगी। टायर साइज थोड़ा मोटा 130 mm का है, तो रूट पर स्टेबिलिटी ग्रिप बेटर देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर बात करेंगे NS160 के बारे में कि NS160 में कंपनी कौन सा टायर साइज प्रोवाइड करती है, उसके पहले बैक का आप लोग ग्रैबरल देख सकते हैं, आप NS160 का चेकआउट कर लीजिए, NS200 में भी ये चीज़ सेम मिलता है। चलिए बात करेंगे, अगर हम इसकी बात कर लें NS160 के टायर साइज की, तो आपको यहाँ पे 120/80 17 वाले ट्यूबलेस टायर इनफो मिल जाते हैं। तो थोड़ा पतला है, वहाँ पे आपको 130/70 इनफो मिलता है, यहाँ पे आपको 120/80 17 वाले ट्यूबलेस टायर इनफो मिल जाते हैं। एलॉय की साइजेस सेम है, कोई आपको ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। बैक का टेल लैंप भी दोनों ही गाड़ियों सेम ही प्रोवाइड करती है, LED टेल लैंप, बहुत ही बेहतर इनफो मिल जाता है। NS160 में अगर बात करेंगे तो बैक में आपको 230 mm की ही डिस्क ब्रेकिंग का सपोर्ट इनफो मिल जाता है और फ्रंट में 260 mm का। तो 40 mm का फ्रंट में आपको डिफरेंस इनफो मिलता है ABS में, बाकी बैक में आपको कोई डिफरेंस नहीं है। बैक में दोनों ही गाड़ियां 230-30 mm का आपको टायर साइज प्रोवाइड करती हैं। चलिए आपने ये ओवरऑल देख लिया, इंजन वाइज एक बड़ा डिफरेंस इनफो मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन लुक्स आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों को, अगर नोटिस करेंगे टेल लैंप बिल्कुल सेम है, हेड लैंप सेटअप भी सेम है, इंडिकेटर्स भी सेम है, और बाकी टायर साइज आपको हमने बता ही दिया, कोई डाउट नहीं है। तो अगर बात करेंगे मोटा मोटी क्या कुछ डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, तो लुक्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस इनफो मिलेगा, हैवियर लुक आपको प्रोवाइड करती है NS200। उसके साथ अगर बात करेंगे तो आपको मतलब डिस्क ब्रेकिंग और फ्रंट के चेंज इनफो मिलेगा, 40 mm की आपको ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग, बड़ी ब्रेकिंग इनफो मिल जाती है NS200 में। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 9 mm का ज़्यादा देखने को मिल जाता है आपकी NS160 में। पावर आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ओवरऑल आपकी NS200। लेकिन अगर माइलेज की हम बात कर ले, कैसा कुछ माइलेज है, तो अगर हम बात कर लें NS160 के बारे में तो लगभग 40 से 42 की गाड़ी माइलेज निकाल के इजीली दे सकते हैं, 45 तक का भी माइलेज इजीली निकाल सकते हैं। उसके अलावा NS200 की बात करेंगे तो लगभग 30 से 35 के आसपास का माइलेज निकाल के देती है, तो लगभग माइलेज 5-7-8 किलोमीटर का डिफरेंस इनफो मिल जाता है, बेटर माइलेज आपकी NS160 निकाल के देती है। उसके अलावा प्राइस भी इस गाड़ी की सस्ती है, लगभग 20,000 के आसपास गाड़ी आपको सस्ती पड़ जाती है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको छोटा इंजन चाहिए तो बिल्कुल आप NS160 को मूव करिए, बड़ा इंजन चाहिए आपको, ज़्यादा पावर फिगर चाहिए, उसके लिए ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग चाहिए, ज़्यादा रोड पे स्टेबिलिटी ग्रिप, हाईवे राइडिंग आपकी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के लिए आपकी बेटर ऑप्शन निकल के आती है NS200। बाकी ये मोटा मोटी आपको हमने डिफरेंस बता दिया। तो ये था फ्रेंड्स एक कंप्लीट डिटेल वीडियो दोनों ही हमारे पास 2022 की लेटेस्ट वेरिएंट अवेलेबल थी, तो इसका आपने नोटिस किया होगा कंपनी ने अलॉयज के कलर चेंज कर दिया। आपने पहले जो अगर बाइक देखी होगी तो उसमें जो आपको अलॉयज के कलर देखने को मिलते थे वाइट देखने को मिलते थे, लेकिन ये हमारे पास लेटेस्ट कलर्स अवेलेबल हैं सारी गाड़ियों के, तो इसमें आप देखेंगे अलॉय आपको कंपनी ने फिर से आपको ब्लैक प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसा कुछ ओवरऑल डिफरेंस इनफो मिल जाता है। तो कोई भी इसमें क्लियर विनर बिल्कुल नहीं रहता है, जहाँ कि आपको एक साइड प्राइसिंग कम देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही बेटर है अपने अपने जगह पे। अगर आपको NS से लव है तो अगर आप कम पैसे में NS लेना चाहते हैं तो बिल्कुल NS160 को आप ले सकते हैं, लगभग आपको 1-1.5 लाख रुपये के आसपास इजिली इनफो मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करेंगे ओवरऑल आप सभी की, जो बड़ी सेगमेंट इनफो मिल जाती है आपकी पल्सर NS200, तो वो भी अगर बात कर लेंगे तो वो भी आपको लगभग 170 के आसपास इजिली अवेलेबल हो जाती है। बाकी 20,000 रुपये का डिफरेंस इनफो मिल जाता है, प्राइस डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ब्रेकिंग आपको ज़्यादा बेटर इनफो मिलती है, यही सब छोटे मोटे डिफरेंस इनफो मिलता है। कि नो डाउट आप जब बड़ी गाड़ी लेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग, ज़्यादा बेटर टायर साइज इनफो मिलता है, तो ये कुछ रहता ही है, बाकी कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस इनफो नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को कंप्लीट डिटेल वीडियो अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल चैनल पर अगर पहली विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इस वीडियो को भी अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके आप सभी की ऑल न्यू जस्ट लॉन्च NS160 NS200 के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और कैसा आपको ये कंपैरिजन लगा कमेंट्स में आप लोग हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इस वीडियो को भी अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि ऑल को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कौन सी 2022 में बेटर ऑप्शन और बेटर चॉइस निकल के आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।